गाड़ी कहीं बज रही हो तो आप सीज कर लीजिए बिना परमिशन का, एकदम राइट है आप। कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर हिम्मत नहीं कीजिएगा इस रोड में आने की। बुढ़िया बिस्तर के लिए तैयार रहिएगा, गाड़ी बाजा नहीं बज रही है, बज रही है आप आज के बाद नहीं आई, बज रही थी अर्जुन बाबा, यहाँ आए कैसे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ए लाइव कर दो, एनआई पीटीआई को बुलाओ। एनआई पीटीआई को बुलाओ। आप लोग हटिए। कौन तोप खाना भाई, कागज दे, कागज दिखाओ। मेरा गाड़ी बज रहा था कहीं, पटना से मजिस्ट्रेट बहाल होकर आए, कहीं से मजिस्ट्रेट बहाल होकर आए, सीओ सदर है, सदर पटना से आए, पटना छोड़ दो, पटना घर हो, आप लोग छोड़ दो। 26 मैं लालू नीतीश नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, ऑर्डर लाइए, नहीं ऑर्डर लाइए, आप आए कैसे यार, किसके आदेश पे आए, छोड़ दो ना तुम यार, बेकार वाला बात करते हो तुम, गलत बात है, अब जाइए अब यहाँ से, बिल्कुल नहीं, ए बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं, मैं डीएम साहब और एसपी साहब के आदेश से आया हूँ, नहीं ऑर्डर नहीं की वहाँ पे, हम आप बोलिए हम चले जा रहे हैं, आप ऑर्डर लाइए, आप बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर लाइए, आप बोलिए कि हम आइए जाने देंगे, हम चले जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर लाइए, देखिए आपको जबरदस्ती, आप ये गाड़ी लगी हुई, आप ऑर्डर लाइए ना, हम जबरदस्ती ले जाएंगे यहाँ से, मैं जो आप अर्जुन आप यहाँ आए कैसे, नहीं आप यहाँ कैसे, अर्जुन भवन, अर्जुन हमको बताइएगा ना, वही तो हम बोल रहे हैं डीएम साहब और एसपी साहब, अर्जुन भवन, डीएम साहब के द्वारा आपको बताया गया, तो आप ऑर्डर, आप मेरी गाड़ी सीज कीजिएगा, कोई चीज सीज कीजिएगा तो ऑर्डर दीजिएगा ना, आप लोग नहीं बोलिए, ऑर्डर के लिए गाड़ी सबका गया हुआ, अभी दो का ऑर्डर है भाई, यहाँ परमिशन है, अभी दे नहीं रहा वहाँ, नंबर के साथ परमिशन है, सब बाकी का ऑर्डर वहाँ दे नहीं रहा है, सेंड नहीं कर रहा है, उसको बांधेगा नहीं, उस पर झंडा नहीं बांधेगा खड़ा करके रोड पर, तो फिर कहाँ गाड़ी चल नहीं रहा था, गाड़ी का ब्रांडिंग हम करेंगे ना, यहाँ पे ऑर्डर है, आप सीधा बोलिए ना कि ऑर्डर, बोलिए ना ऑर्डर हमको दे देना, कि गाड़ी घर में लगी हुई है, झंडा लग रहा है, गाड़ी रोड पर तो चल नहीं रहा है, हेलो अर्जुन भवन, ऑर्डर घर में किसी का गाड़ी लगा रहेगा, कैसे आप ऑर्डर कर दीजिएगा भाई, जी जी जी, थोड़ा सा क्या क्या सर वहाँ पर क्या दीजिए, मना बताइए सीधा, परमिशन साउंड क्या लिए थे, ध्वनि विस्तार हम बता दे रहे हैं, हाँ। इसमें परमिशन हमारा है सर, कि गाड़ी हमारा ब्रांडिंग हो रहा था, परमिशन दो का मिला हुआ है, बाकी परमिशन आपके ऑफिस में है, अभी वहीं बैठा है मेरा आदमी, सब लोग वहीं बैठा हुआ। दूसरी बात सर बता दे रहे हैं कि हम सब साउंड खोलवा रहे थे, ब्रांडिंग करेंगे ना, जब गाड़ी भाड़ा पे लिए तो डीजे वाले खोल रहा था अपना, जो लगना था उतना ही लगेगा इसमें, हमारा गाड़ी रोड पे कहीं चल नहीं रही थी, गाड़ी बज रहा था, वही एसडीओ साहब क्या कहते परमिशन के लिए, बिल्कुल मेरा गाड़ी ब्रांडिंग हो रहा था, अब खड़ी होकर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो कहाँ करें, हमारे घर में प्रेस नहीं है सर, जो यहाँ हम करेंगे, परमिशन दो गाड़ी का मिला था, हाँ जी है, तो बाकी परमिशन के लिए गया हुआ है, वहीं पे वही गया हुआ, जी बिल्कुल, हाँ, सभी लगा हुआ था गाड़ी, हाँ। उसी आगे में प्रेस है वहाँ पर, वही गाड़ी मूवमेंट में नहीं है, अभी गाड़ी बाजा नहीं बज रही है, बज रही है, आज के बाद नहीं आई, बज रही थी गाड़ी हमारी, हमें आपसे, मैंने आपको कहा दुश्मनी तो 26 के बाद दिखेंगे ना, छोड़ दीजिए ना 26 तक, बुढ़िया बिस्तर के लिए तैयार रहिएगा। हेलो
आप बात कर लीजिए, कुछ कोई चीज की कुछ सीमा होगी ना, ब्रांडिंग ना कुछ, और हिम्मत नहीं कीजिएगा इस रोड में आने की। पटना घर कहाँ घर? दो मिनट में पता चल जाएगा वर्ल्ड को हम पप्पू हैं। छापेमारी हो रही है भैया, हमको तो पता नहीं, हम तो क्षेत्र में थे ईद और सरूल वाले में, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जानकारी मिली कि पुलिस फोर्स यहाँ आया हुआ है और गाड़ी को कह रहा था जबरदस्ती यहाँ लगा हुआ है महादेव का गाड़ी, जो परमिशन है कुछ गाड़ियों की जो निकली, इसकी ब्रांडिंग रोड पर हो रही थी, परमिशन के लिए गए थे, ना कभी बजा ना ध्वनि है ना कुछ है। उसके बाद यही तो कारनामे, और खास तौर पर मैं पहले भी कहा हूँ और मैं चुनाव आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह के रवैये से, जो जिसका मुझे पहले भी शंका थी, और इस तरह के रवैये से मैं जब इस देश के किसी दुनिया में नहीं डरता ही नहीं हूं, और पूर्णिया कभी डर का नाम रहा ही नहीं, और मुझे लगता है कि जितना ये लोग परेशान करेंगे ना, उतना भगवान इनको सुबुद्धि दे और परेशान करे। इनकी जो मानसिकता बनी है, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई की मानसिकता होती है, वैसे चुनाव भर ये लोग जो बड़े करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे, ये सही नहीं होगा, और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, जो प्रताड़ना की सीमा है। एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र चार गार्ड है, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे हैं? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी, चार गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के, अन्य पार्टियों की, सब कुछ बज रहा चल रहा, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता। मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत, लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्य के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करें। किसी भी इसके पीछे वजह क्या लगी भैया? तो दुनिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं, दुनिया की ही, इंडिया का 19 दिनों में एक ही सीट हॉट सीट बना हुआ हो, आप सोचिए
एक ही हॉट सीट बना हुआ है। तो ये प्रताड़ना जो आपको कब से लग रही है, कांग्रेस में शामिल होने के बाद से या नामांकन के बाद? आपको पता है कि बीएमपी हाउस गार्ड था, पटना में है, यहाँ कई बार वाई थ्रेट का वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड है, और उसके बाद अभी तक नहीं देना। तो मैंने लिख दिया है चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये गाड़ी उठाने से पहले आपसे निजी तौर पे किसी तरह का संपर्क? कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, कार्यालय से कोई संपर्क नहीं, सीधा आ जाना और टपक जाना। और ये यहाँ पे आप 26 तक मैं चुनाव आयोग की कानून की बात तो मानूंगा। यहाँ बताया जा रहा है कि 26 के बाद और 4 जून के बाद या तो पप्पू या तो सरकार, दो ही बात। सर क्या मामला था यहाँ पर गाड़ी के लिए आई थी, गाड़ी लेने के लिए पुलिस यहाँ? जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, कागज की जांच किया जा रहा है कि ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था। इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है इसकी जाँच। क्या आरोप क्या लगा हुआ है? जाँच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं है। आरोप क्या, गाड़ी का जाँच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजे बजा था कि नहीं, ये सब जांच। कितनी गाड़ियां जब्त की जा रही है अभी? जब्त कुछ नहीं किया जा रही, अभी जांच के लिए आए। कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ जांच किया गया। लड्डू हटो ना, इनको ऑफिस नहीं आना चाहिए था, रोड पर गाड़ी होती तो ये चीज कर, घर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ है आज पुलिस आ गई? अच्छा, किसी के घर में ढूंढ के आप कौन सा कानून बना रहे हैं? आप रोड पर रहता आप गाड़ी इस चीज कर लेते, लॉ के मुताबिक, चुनाव आयोग के मुताबिक तो चलेंगे ना। चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या लग रहा है? क्या भैया, ये बात तो मैंने पहले भी कहा कि जब मेरी सुरक्षा ले ली गई थी तब से मैं 10 बार चिट्ठी लिखा है एसपी साहब को फोन करके कि मुझे दीजिए, मुझे हाउस गार्ड भेज दीजिए, आज तक नहीं सुनी गई। मैंने पत्र लिख करके दिया हो कि यदि कोई की घटना मेरे साथ घटती है इसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णिया पुलिस और सरकार की। क्या लग रहा है, राजनीतिक राजनीतिक बदला तो नहीं लिया जा रहा? देखिए, कोई बदला से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे पूर्णिया की जनता को सीधा लक्ष्य है काम का, लोगों की मदद का। बदला उदला से कोई मतलब नहीं, कोई भी कानून काम करेगा बिल्कुल साफ सुथरा, आप समझ लीजिए लॉफुल काम होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप किसी के घर आकर के है आ जाइए और जबरदस्ती आकर के बोलिए कि हम गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कानून के, बिना किसी चीजों के, तो भैया आप कोई भी चीज देखेंगे ना कि कोई नियम कानून होगा कि बिना मुखेर कानून होगा। एसडीओ साहब के यहाँ से ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर देने में देर किया जा रहा है, ऑर्डर हुए हैं, कुछ ऑर्डर वहां रखे हुए हैं, तो तब तक गाड़ी प्रमोट होगी ना, गाड़ी बनेगी ना, गाड़ी में सब कुछ लगेंगे ना। गाड़ी कहीं बज रही हो तो आप सीज कर लीजिए बिना परमिशन का, एकदम राइट है आपको। जैसे बंगाल में ये राइट नहीं है, यहाँ वो राइट है, तो आप करते हैं तो आप करिए, फिर हम न्यायालय जाएंगे। नहीं, प्रशासन जो आज जो कार्रवाई है क्या उसके विरोध करें? नहीं, हमको नहीं जाने, हमने पहले इस पे विरोध क्या होता है भैया, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, वो कोई जबरदस्ती कोई उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं ना है। सरकार जहाँ पर ऊपर कोई इन्वॉल्व हो इसमें निचले का प्रशासन क्या करेगा, लेकिन आप किसी के घर आने के पहले 100 बार सोचिएगा ना। हम किसी से बात करेंगे तो सोचेंगे ना, आप क्या जब आप आपका लगना क्या है, क्या लगा प्रशासन जब आप जनता के बीच से गायब हैं तो आप चाहते हैं टॉर्चर करना। ये जो मानसिक टॉर्चर है ये करके क्या फायदा होगा? 26 तक तो हमें भी मर्यादा में रहने आता है, कानून के तहत रहने आता है। थैंक यू। जनता उसको टॉर्चर कर रहा है, जनता टॉर्चर कर रहा है, माननीय नियम कानून प्रशासन टॉर्चर कर रहा है।
नहीं बुझ कोई भी चीज के नियम कानून है कि ना एसडीओ ऑफिस के बगलिए जैसे रोड पे लगल छे कहीं ही लगल छे ओए कौन प्रॉब्लम छे छटे मैं कहीं बज के परमिशन के लिए गया था वहां गाड़ी लगा के बोले कि पोस्टर बैनर लगा के परमिशन होता है नहीं नहीं हम अपने घर में लगा रहे थे सर परमिशन के लिए घर में लगा रहे थे घर में परमिशन के लिए नहीं गुड फेथ एक प्रेस है वहां प्रेस में ब्रांडिंग हो रही थी वहीं पे आपके कलेक्ट्रेट के सामने ही वो प्रेस है अच्छा जी जी तो वहीं ना हॉर्न खुलेगी वहीं ना ब्रांडिंग होगी नियम है कि वहीं पर खुलना है अच्छा अब वहीं पर उसकी ब्रांडिंग होनी है अब बज रही नहीं थी अच्छा वहीं खुलना है बिल्कुल जी जी वो कौन प्रेस है गुड फेथ है वहीं ये माने वो क्या माने प्रेस है दुकान है दुकान 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 लगाने वाला वहीं पर लगाता है और सबकी हो रही है ऐसा नहीं है कि केवल हम ही लोगों की हो रही है वहां तो सब गाड़ी बहुत गाड़ी लगा हुआ था उन लोगों की भी गाड़ी लगी हो रही है पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700 धन्यवाद।